जब मैं स्टूडेंट थी तो हमारी प्रिंसिपल जो हमारी टीचर हुआ करती थी उन्हें देखकर मेरा अक्सर दिल होता था कि मैं भी बड़ी होकर टीचर बनूंगी। क्योंकि शुरू शुरू में मुझे पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आता था और मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं बोल सकूँ या किसी से बात कर सकूँ। लेकिन जब मैं उस स्कूल में गई तो हमारी प्रिंसिपल ने मेरी बहुत हेल्प की और मुझे पढ़ाना सिखाया और मैंने बहुत कुछ उसी स्कूल से सीखा। जब शुरू शुरू में मैंने आगाही सेंटर शुरू किया तो सिर्फ 2-3 ही लड़कियाँ आ रही थी। उसके बाद मैं सबके घरों में गई, मैंने सबको बुलाया, सबको कहा कि अगर आप लोगों को खुद को पढ़ना आएगा तभी आप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देंगी। मुझे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तब जाकर वो हमारे घर आई पढ़ने के लिए। और कभी कभी तो ऐसा होता था आती भी नहीं थी, फिर मैं उनके घर जाती थी, उनको बुला कर लाती थी। तो मेरे पास 3 जबान की औरतें आती हैं, लड़कियां हैं, पठान हैं, कच्ची हैं और बंगाली हैं। मैं ज़्यादातर कोशिश करती थी कि मैं आसान से आसान उर्दू बोलूं ताकि उन्हें मतलब मेरी बात समझ में आए, क्योंकि जब तक मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ आएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि वो क्या बोल रही हैं। जैसे कि किसी को उर्दू आती है तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये मुझे क्या कह रही है, आप मुझे बताएं, क्योंकि मुझे कोई और ज़बान नहीं आती। तो वो उनसे बात करती थी, फिर वो मुझे बताती थी, फिर कुछ अल्फाज थे उन्हें नहीं आते थे लेकिन मैं बार 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 दोहराई करवाती थी उनसे, इस तरह उन्हें भी बोलना आ रहा है। अब जब लड़कियाँ मेरे पास पढ़ने आती थी, औरतें भी पढ़ने आती थी, वो पहले आते ही अपनी बातों में लग जाती थी कि ये हुआ वो हुआ, और मेरी घरेलू जो बातें होती हैं अपनी परेशानियां बता रही होती थी। पहले मैं उनकी सुनती थी, मुझे भी इस तरह पता चले कि इनके घर का माहौल कैसा है, क्या मसले उनको पेश आ रहे हैं। जब मैं पढ़ाती थी तो एक को नहीं आता था तो दूसरी उसको कहती थी नहीं ये ब है, ब पढ़ें, बा नहीं पढ़ें। इस तरह वो एक दूसरे को सिखाती थी और फिर इस तरह उनकी आपस में दोस्ती भी हो गई। और इस तरह जो जिन्हें बिल्कुल नहीं आता था और जिन्हें थोड़ा बहुत आता था तो वो उनसे मदद लेकर वो भी पढ़ना सीख रही हैं, क्योंकि आपस में जो दो साथ में बैठा होता है उनसे ज़्यादा सीखा जाता है। मेरे पास 3 तरह की मतलब ज़बानों की लड़कियां और औरतें हैं, कच्छी भी हैं, बंगालन भी हैं और पश्तो भी हैं। तो जो कच्छियों के घर में बनता था जाहिर सी बात है वो बंगालियों के घर में नहीं बनता था, क्योंकि उनके और उनके खानों में फ़र्क था। तो जो बंगाली लड़कियाँ थी वो झींगा बना कर लाती थी फ्राई करके, फिर वो खिलाती थी तो बहुत मज़ा आता था हमें सबको खाकर भी, और पश्तो भी खाना बना कर लाती थी तो सब मतलब एक दूसरे का खाना भी खाती थी और उन्हें अच्छा लगता था कि हम एक नया खाना खा रहे। तो जो कच्ची लड़कियां थी उन्होंने कहा कि झींगा किस तरह बनता है हमें आप बताएं, फिर वो उन्होंने फ्राई का पूरा तरीका बताया। जिनको लिखना आ रहा था वो लिख रही थी तरकीबें, फिर घर जाकर उन्होंने ट्राई भी किया, बनाकर दूसरे दिन लेकर भी आए। के हमारी आगाही में किताबें सेहत और सफाई की और जो बीमारियां आजकल चल रही हैं उनके मुतालिक, लेटरिन के मुतालिक सब कुछ मैंने बताया कि आप खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं और किस तरह खाना पकाते हैं, वो जगह कैसी होनी चाहिए, सब कुछ मैंने बताया। फिर इस तरह मतलब 3 हफ्तों के बाद उनमें खुद में भी फ़र्क आया, फिर वो साफ़ सुथरी आती थी, उनके साथ जो बच्चे आते थे वो भी साफ़ सुथरे आते थे। और उन्हें मैंने ORS का तरीका बताया कि अगर बच्चों को मोशन हो जाता है तो आप ऐसे बनाकर उन्हें पिलाएं, और ज़्यादातर आप ये ख्याल रखें कि बाहर का खाना ना खाएं। फिर उन लोगों में इतना शऊर आ गया कि वो बच्चों को घर पर अच्छा से पकाकर खिलाती थी। मैं चाहती हूँ मैं आगे पढ़ूँ और मैं भी अपनी प्रिंसिपल की तरह प्रिंसिपल बनूँ। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं स्कूल में प्रिंसिपल बनूँ, क्योंकि मुझे TCA में 5 साल हो गए हैं तो मुझे इतना तजुर्बा हो गया है कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्या क्या होता है। तो मुझे लगता है मैं कर पाऊँगी, कोशिश करूँगी तो हो जाएगा मुझसे भी।